Hey guys, welcome back to my channel. तो आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 1, 2 और 3 का एक्सप्लेनेशन, और उसी के साथ बताऊंगा आने वाले एमसीयू के फेज के प्रोबेबिलिटीज और नए थ्योरीज के बारे में. क्या बात है? सो स्पॉयलर्स होंगे लेसर और एक्सप्लेनेशंस होगा ग्रेटर. सो शुड वी स्टार्ट? तो जैसे कि आप सबको पता है कि लोकी है थॉर का भाई या फिर बहन, क्या पता, लेकिन जो भी है बड़ा मजेदार कैरेक्टर है यार. एपिसोड 1 में दिखाया जाता है कि लोकी गलती से मिला हुआ टेसरेक्ट लेके फरार हो जाता है, लेकिन ज्यादा दूर नहीं मंगोलिया तक, और वहां से उसको टीवीए उठा ले जाता है. और वहां पे जाने के बाद हमें पता चलता है इटर्नल टाइमलाइन के बारे में. इस टाइमलाइन के बारे में हमें थोड़ा सा आभास मिल गया था एवेंजर्स एंड गेम के अंदर, जहां पर द एंशिएंट वन और हल्क टाइम स्टोन के लिए बातें कर रहे थे. तो बात कुछ ऐसा है कि सब लिखा हुआ है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, और इसे लिख रहे हैं कौन? द टाइम कीपर्स. अभी एक बात सोचो कि अगर टाइम कीपर को हिस्ट्री ज्यादा पसंद होता तो ऐसा हो सकता है कि आपको मार्केट जाना है, लेकिन टाइम कीपर लिखता है आपको सुसु करने के बाद मार्केट जाना होगा, तो आपको बेवजह सुसु करना पड़ जाएगा. पता है बुरा जोकता, लेकिन गालियां नहीं देना, ठीक है? तो देखो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने की शायद जरूरत नहीं है, लेकिन जो बड़े सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब तो निकालना पड़ेगा. जैसे टीवीए में लोकी के शक्तियां क्यों नहीं काम कर रहे थे? हो सकता है टीवीए कोई अलग डिमेंशन हो, या फिर यार टाइम कीपर्स है, कुछ तो दमखम वो भी रख रहे होंगे. एक ऐसा वट तो होगा ही होगा. दूसरा क्वेश्चन ये है, इनका टेक्नोलॉजी कितना जबरदस्त है? तो देखो, यहाँ पर मेरा दिमाग का भरोसा हो चुका है. क्या भिंडी की सब्जी पकाई है इन्होंने? पता नहीं, एक वक्त लगता है बहुत ज्यादा हाईटेक होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद इनके कुछ आदमी आग लगने से मर जाते हैं. मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हमें फिर से लोकी दिखेगा एमसीयू के एवेंजर्स वाले टाइमलाइन में? तो आंसर है नहीं, क्योंकि टाइम कीपर्स के लिखे हुए लोकी का गाथा थैनोस के हाथों खत्म हो जाता है. तो अभी एक और सवाल है कि टाइम कीपर्स टाइम को रिसेट कर देते हैं कोई भी गलती है या फिर ना होने वाले घटना को रोकने के लिए, तो फिर लोकी के केस में होता क्या है? उसको कैसे रीसेट किया होगा? अभी उन्हें कुछ ना कुछ तो रीसेट करना पड़ा होगा. वो क्या हो सकता है, कमेंट्स में बताओ जरा. अगला क्वेश्चन है, सारे अल्टरनेट टाइमलाइंस में दिखाए गए लोकी लड़के हैं, तो अपना वेरिएंट लड़के क्यों है, और उसकी लाइफस्टाइल अपने खुद के लोकी से मिलता क्यों नहीं? एक बात मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि कॉमिक्स में अपनी शक्तियां लोकी किसी लड़की को दे देता है, जस्ट लाइक उधार में. तो ऐसा कुछ यहाँ हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, आखिरकार ये मार्वल है. अभी सीधा आ जाते हैं थर्ड एपिसोड से आने वाले क्वेश्चन पे. तो पहला क्वेश्चन ये है कि टीवीए अच्छी एजेंसी है या फिर बुरी है? इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लोकी ने टीवीए में पढ़ा था कुछ और बाद में उसे पता चलता है कुछ और. जैसे सभी टीवीए कर्मचारी आखिरकार वेरिएंट ही तो है. देखो, ये टाइम कीपर्स थोड़ा सस्पिशियस कैरेक्टर तो है, किसी को पता तो होना चाहिए इनके बारे में. शरारत की खुशबू तो आ रही है. थर्ड एपिसोड में कितना इन्फॉर्मेशन मिला वो तो पता नहीं, पर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ, मजा आया. और हिंदी डबिंग करने वाले महाशय अनंत मणि शाश्वत समय रेखा तक तो ठीक था, लेकिन अब चतुर्नार प्रभु चरण कहां है आपके? मार्वल से सब होता है, विलन खुद ठुमके लगा रहा है. मतलब वेल डन, तालियां होनी चाहिए. यहाँ पे और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, लोकी चीजों को रखता कहां है? सच में सीने में रखता है क्या? कमेंट करिए. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सिल्वी जी कौन से टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं? मुझे लगता है कि वो फ्यूचर से है, क्योंकि टीवीए के बहुत सारे राज के साथ साथ चांद के टकराने के बारे में भी उनको पता है. जो प्रोबेबिलिटीज के बारे में आज हमने बात किया वो टोटली मेरा खुद का और कुछ रिव्यूअर्स की सोच है. ये असली सीरीज में हो भी सकती है या नहीं भी, सो टेक इट जेंटली. आज के लिए बस इतना ही. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना. सी यू सून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए गुड बाय. We'll be right back.